धन्यवाद जी। कमर साहब, कैबिनेट का गठन हुआ, आपने भी तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन गठन से पहले सरकार जो बात करती थी, महंगाई का मसला हो या बाकी मसले हो, पूछना चाहूंगा, बैट बढ़ा दिया गया है 3 रुपए कैबिनेट गठन से पहले ही, क्या कहेंगे इस पे आप? तो बहुत बड़ी उम्मीद थी जी, क्योंकि ये लोग जब चुनाव में गए थे जी, तो ये बोल करके आए थे कि अगर वो आएंगे तो महंगाई कम करेंगे, महिलाओं को 18 वर्ष से ऊपर सबको पेंशन 1500 रुपए देंगे जी, 300 यूनिट बिजली जो है वो भी ऑफर करेंगे, और 1 लाख रोजगार जो है वो सृजित करेंगे जी। लंबे समय तक इन्होंने अपना मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है जी, उसमें देख करके हैरान है, बिना पद सृजित किए हुए CPS का जो है वो बनाना, और लगता है कि ये गाड़ी सिर्फ 6 तक नहीं रुकेगी और लंबी चलेगी, आगे बढ़ेगी नहीं तो वही। दूसरा बड़ा तोहफा जनता को, आज 7.40 रुपए जो है वो पेट्रोल का दाम बढ़ा करके और 4 रुपए डीजल के ऊपर बैंक बढ़ा करके जी, जो है वो महंगाई को जो है वो इन्होंने बढ़ाया है, जो कहा है उसके आज विपरीत कर रहे हैं। 300 यूनिट बिजली देने की बात कर रहे थे, 125 यूनिट जो भारतीय जनता पार्टी के समय में दिए जाते थे जी, आज उसको भी जो है वो डीनोटिफाई जो है वो कर दिया गया है जी। तो ये कहना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने कहा है आज, मुझसे ये लगता है कि ये झूठ बोल करके जनता का विश्वास इन लोगों ने प्राप्त किया है जी। और आज एक अलोकप्रिय फैसले जो है वो ये सरकार जो है वो लेती जा रही है। अच्छा वीरेंद्र साहब, दूसरी तरफ 6 संसदीय सचिव जिसकी बात आपने महंगाई पे मसले पर जब बैठ के संबंध में पूछा तो आप बोल रहे थे, तो 6 संसदीय सचिव का आपने जिक्र किया, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि इससे पहले हम लोग चर्चा भी कर रहे थे तो उसमें भी कहा, तक्षक साहब ने भी बताया कि हरियाणा हिमाचल दोनों ही जगह ऐसे संसदीय सचिव लगाए गए थे, तो आप क्या कहेंगे इस पर? मुझे लगता है कि तो जरूरत नहीं थी जी, मंत्रिमंडल का ये पूरा विस्तार कर लेते हैं, लेकिन वो वर्तमान में जब जो एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति जो है वो आज कांग्रेस के अंदर है जी, आज कांग्रेस को विधायकों को इकट्ठा रखना जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा है, और इस करके जो है वो मंत्रिमंडल का पूरा विस्तार ना करते हुए और साथ में दूसरी तरफ CPS की जो है वो फौज खड़ी करना, मुझे लगता है कि इससे और वही डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ाना जनता के ऊपर जो है वो बहुत बड़े जो है वो वित्तीय इसका जो है वो प्रभाव रहेगा जी, और महंगाई जो है वो प्रदेश के ऊपर बढ़ेगी जी। तो कमर साहब, आपको क्या लगता है कि यह सिर्फ आपसी गुटबाजी या किसी तरीके की कांग्रेस में कला ना हो उसको रोकने के लिए? ये तो शुरुआत है जी, मैंने कहा कि आगे क्या होता है, आज जो खबरें चन-चन करके आ रही है कि कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा जो है वो निराश चल रहा है जी,